हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे अपराध को लेकर जहां एक तरफ देश का माहौल काफी गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में बीते दिन करीब 5 बजे लेडीज पर्स, बैग और प्लास्टिक आइटम्स बनाने की 4 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे की खबर आग की तरह ही देश भर में फैल गई। खबर है कि हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग बुरी तरह से झुलस गए। जैसे ही लोगों को इस घटना की खबर लगी, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जहां एक तरफ सभी इस हादसे को लेकर दुख जता रहे थे, तो वहीं एक्टर और नेता राज बब्बर ने सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए लिखा है, दिल्ली अग्निकांड में इतनी जिंदगियां को खोने से सदमे में हूं। जैसे जैसे हादसे की पूरी जानकारी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यह हादसा बस घटित होने का इंतजार कर रहा था। MCD और दिल्ली सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। ये अफसोसजनक है कि राजधानी में रहते हुए सिस्टम लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकती। बता दें कि इनके अलावा बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए अपना दुख जाहिर किया था और लिखा है, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदना और जो जख्मी हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। वहीं बॉलीवुड सिंगर शान भी बीते दिनों नोएडा पहुंचे थे और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के अनाज मंडी में हुए अग्निकांड से बेहद दुखी हूं। पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। आशा करता हूं कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। इसके अलावा अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दुख जाहिर करते हुए लिखा है, दिल्ली के अनाज मंडी में हुए अग्निकांड से दुखी हूं। उन परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदना और प्रार्थना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूँ। बताते चले कि हादसे के समय बिल्डिंग में 100 से अधिक लोग फंसे थे। वहां के लोगों ने बताया कि आग दूसरी मंजिल से शुरू हुई थी। खैर, अब देखना यह होगा कि हादसे को लेकर स्टार्स ने सरकार से जो कहा है उस पर आने वाले दिनों में कोई बदलाव होता है या नहीं।